Good evening, students and viewers. This is Sukhvinda Desai. Today's topic for all of you is formal and informal letter. इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट, लेआउट और मार्किंग स्कीम से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज और जितने भी डाउट्स होंगे, आई विल क्लियर दैट. सो नॉट टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू. So that you are well acquainted with how to write a formal and informal letter. So first of all, what I want you all to understand in this video is why do we write letters? Okay, then difference between formal and informal letters, important tips for good letter writing, various types of formal letters, format of formal and informal letters, and MCQs related to formal and informal letters. ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगी ताकि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए. डियर व्यूअर्स, दिस इज वन टाइम एफर्ट्स विच एज अ टीचर विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव ट्राइड टू अकोमोडेट ऑल माई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. जो भी मेरा अपना तजुर्बा है और जो बच्चों की क्वेरीज नॉर्मली क्लासरूम्स में होती हैं, वो मैंने आपको इसमें पिकअप की है और उसी को मैंने सॉर्ट आउट किया है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रेजेंटेशन. नाउ दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस वीडियो आर लाउड एंड क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, आई विल बी टेकिंग यू टू इनफॉर्मल लेटर फर्स्ट. सो लेट सी व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर. एन इनफॉर्मल लेटर ऑल्सो रेफर टू एज अ फ्रेंडली लेटर is a personal letter written to friends or relatives. तो informal letter, आजकल हम इस इन letters को कैसे हमने replace किया है? With WhatsApp, with Facebook, Twitter, Instagram, इसमें हम लोग अपने मैसेज भेज देते हैं normally. तो पहले letters में हर चीज share होती थी, हम लोग wait करते थे कि कितनी कब letter आएगा, कब हमने जो letter लिखा उसका जवाब आएगा. एंड दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ अवर लाइफ कि हम लोग चिट्ठियों का इंतजार करते थे. लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम एक लाइन वो भी वॉइस टाइपिंग करके हम मैसेज पास ऑन कर देते हैं. सो दे आर काइंड ऑफ योर इनफॉर्मल मैसेजेस विच वी आर शेयरिंग ऑन दिस थिंग व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स. सो लेटर्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दोज एरियाज वेयर स्टिल लेटर राइटिंग टेक्स प्लेस एंड समटाइम्स we have to give it in hard and hard copy mein hum bhejna pasand karte hain ki kisi ke paas hamara invitation pahunch jaye ya hum kisi ko invite kar rahe hain ya hum koi unse unke performance ke bare mein query kar rahe hain ya hum unko bata rahe hain ki aapke aapka abhi latest aapke kya hal chal hain ya apne ghar mein koi vyavastha hone wali hai ya koi event hone wali hai उसको हम इंफॉर्म करना चाहते हैं. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें हम इनफॉर्मल लेटर्स पे डिपेंड करते हैं. और इनफॉर्मल लेटर्स जो है वो नॉर्मली हम किसको लिखते हैं? फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे इनफॉर्मल रिलेशन है जहाँ पे हम अपने बेझिझक बात कर सकते हैं. ऐसे हम अपने रिश्तेदारों को क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं, जो हम कहना चाहते हैं वो समझते हैं, और उनको हम इनफॉर्मल लेटर्स में इंक्लूड करते हैं क्योंकि उनके साथ हमें कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है. So let's see. It is written in a personal fashion. अभी informal क्यों है? क्योंकि ये personal way में लिखे जाते हैं. You can write it to anyone with whom you have a non-professional relationships. किसी के साथ भी आपकी non-professional relationship है, उसके साथ भी उसको भी आप informal letter लिख सकते हैं. Although this doesn't exclude business partners or workers whom you are friendly with either. मतलब जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ बिजनेस डीलिंग भी करते हैं, तो उनके साथ भी आप इनफॉर्मल वे में लेटर लिख लेते हैं. तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो लेट अस सी हाउ वी नीड टू फर्दर अंडरस्टैंड हाउ वी कैन राइट अ लेटर टू आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स. So this is one way which we always say that this is a personal letter, that's why we are writing it in informal way. So to friends and to relatives we write informal letters. Okay,
तो इनफॉर्मल लेटर का सीधा सीधा मतलब है इनफॉर्मली व्हाट एवर वी आर राइटिंग। किसी को भी हम कोई एड्रेस ऑफिशियल एड्रेस नहीं कर रहे, फॉर्मल एड्रेसिंग नहीं कर रहे, तो उसको हम इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हैं जिनको हम ज्यादातर लिखते हैं। कॉमनली हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखते हैं, और इन एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे नॉन प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं वहां पर भी हम जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं वहां पर भी हम इनफॉर्मल लेटर्स लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। नाउ इनफॉर्मल लेटर, ये थोड़े से मैंने क्राइटेरियाज नोट किए हैं। देर आर फ्यूअर फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर इनफॉर्मल लेटर्स। जैसे मैंने आपको नॉर्मली हर वीडियो में मैं आपको रूल्स वगैरह भी बताती हूँ कि इस पर्टिकुलर चीज के क्या रूल्स हैं, तो वो आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास ज्यादा फॉर्मल रूलिंग नहीं है, बहुत कम है फॉर्मेटिंग रूल्स। सो देन देर आर फॉर बिजनेस और फॉर्मल लेटर्स, द लेटर कैन बी यूज फॉर सम रीजंस। ये इनफॉर्मल लेटर्स हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर कन्वेइंग मैसेजेस, किसी को हमें कोई मैसेज देना है, अपने जानकार को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, कोई न्यूज देनी है, कोई न्यूज शेयर करनी है, उनको कोई एडवाइस देनी है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है रेसिपियंट को, और रिक्वेस्ट करना है किसी इंफॉर्मेशन के लिए, पूछने के लिए कि हाँ भाई आगे आप क्या क्या प्रोग्राम है। सो आस्किंग क्वेश्चंस एटसेट्रा। इट इज अ पर्सनल लेटर रिटन टू हुम यू आर फेमिलियर। ठीक है, पहले ही हमने आपको बता दिया कि इनफॉर्मल लेटर्स जो है वो फ्रेंड्स को या फिर हम रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो यू आर फेमिलियर विद लाइक फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स और एनी अदर क्लोज्ड वन, कोई भी आपके जो आपका नजदीकी है उसको आप इनफॉर्मल लेटर्स लिख सकते हो। व्हाइल राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर, वन कैन अफोर्ड टू बी फ्रेंडली एंड मेक यूज ऑफ पर्सनल इमोशनल टोन। ठीक है, पर्सनल इमोशनल टोन यूज करने का मतलब है कि आपको फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ लेटर, इनफॉर्मल लेटर? देयर इज नो सेट फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल लेटर्स, लेकिन एक जनरल पैटर्न है जो हम फॉर्मल लेटर्स में फॉलो करते हैं, सेम वे वी कैन यूज फॉर इनफॉर्मल लेटर्स, ओनली एक्सक्लूडिंग सम फॉर्मल थिंग्स व्हिच वी आर यूजिंग इन फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बट देयर इज अ जनरल पैटर्न, सम कन्वेंशंस दैट पीपल यूजुअली फॉलो। We will be looking at this pattern and certain tips on how to write effective and attractive informal letters. These can act as guidelines when you are drafting a letter, and they are not hard and fast rules. So let us begin. Hard and fast rules नहीं है ये, आपको ध्यान रखना है। formal letters में addressing में भी कोई hard and fast rule नहीं है। आप जो last में आप subscription लिखते हो उसका भी कोई hard and fast rule नहीं है। ओनली वील बी हेल्पिंग यू विद सम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस जो आपको मदद करेंगे। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ फर्स्ट थिंग व्हिच इज रिटन इज एड्रेस। नाउ द फर्स्ट थिंग टू राइट इज योर एड्रेस, दैट इज द एड्रेस ऑफ द राइटर, बेसिकली द सेंडर्स एड्रेस, जो हम फॉर्मल लेटर्स में सेंडर्स एड्रेस के नाम से समझते हैं, जो 3 लाइन का आपका एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस को हम यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो आपका एड्रेस है। वी यूजुअली राइट द एड्रेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है। लेट मी टेक पेन नाउ, क्योंकि पेन से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ऑफ द पेज एट द वेरी टॉप द एड्रेस शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट। तो एक्यूरेट एड्रेस होना चाहिए और कंप्लीट, कंप्लीट मींस आपका एड्रेस, भले आप इनफॉर्मल वे में लेटर लिख रहे हो, लेकिन आपका एड्रेस क्लियर होना चाहिए ताकि जो रीडर है उसको पता लग जाए कि वास्तव में आप कौन हो, और जहाँ जिस शहर में आप रहते हो उस शहर से भी वो तुरंत आपको पहचान लेगा कि ये मेरे फ्रेंड का लेटर वहां से आया है या एट प्रेजेंट वो वहां पे है। ठीक है, उस वक्त का एड्रेस आपका उसको हेल्प करेगा। देन इवन व्हेन राइटिंग टू क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, दिस इज क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, द एड्रेस मस्ट बी रिटन सो दे कैन रिप्लाई बैक टू द लेटर विद ईज। हर जगह हम सहूलियत देखते हैं,
जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसकी सहूलियत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ द रेसिपिएंट ऑफ द लेटर इज इन अनदर कंट्री, डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर कंट्री एज वेल इन द एड्रेस. तो अपना देश का नाम भी आपको लिखना बहुत जरूरी है इन केस somebody is there who is staying abroad. Okay, कोई जो बाहर रहता है वो उसके लिए भी आपको पूरी फैसिलिटी करनी है ताकि उसको पता लग जाए कि बाहर से लेटर आया है. अब फॉर्मेट में ही हम आगे बढ़ रहे हैं. तो पहला जो पॉइंट था वो सेंडर्स एड्रेस था. फॉर्मल लेटर्स में भी वही होता है, बस सिर्फ अंतर इतना है कि वहां पे हम अपनी सहूलियत के अनुसार सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और फॉर्मल लेटर में कंपल्सरीली आपको देना है. ठीक है, इसके बाद आता है आपका डेट. डेट में जो आपका जहां आपने एड्रेस लिखा है उसमें एक लाइन छोड़ के आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डेट. नेक्स्ट जस्ट बिलो द एड्रेस वी राइट द डेट. दिस अलाउज द रीडर टू हैव अ रेफरेंस एज टू व्हेन द इनफॉर्मल लेटर वाज रिटन. तो यहाँ पे व्हेन वाली बात क्लियर हो जाती है. अगर डेट लिखी होती है तो पता लग जाता है कि चिट्ठी कब लिखी गई, बिकॉज इट ट्रेवल्स बाई पोस्ट एंड इट टेक्स सम टाइम. Then he can then relate better to the contents of the letter. The date preferably should be in expanded form. Short form में नहीं होना चाहिए, पूरा full form में. वो भी मैं आपको एक video में explain करूँगी कि आपको expanded date कैसे लिखनी है और कौन सी right way है लिखने का और कौन सा ज़्यादा popular नहीं है ऐसे. तो next point is your greeting. Greeting में आप क्योंकि इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो. सॉरी, दिस इज योर हियर, दिस इज ग्रीटिंग. और ग्रीटिंग में आप डियर एलेक्स और डियर मॉम एलेक्स इस तरह से आप एड्रेस कर सकते हो. सो दिस यू हैव टू. और कोई ऐसा है जिसको आप रिस्पेक्ट के साथ लिखना चाहते हो तो मिस्टर और मिसेस, लाइक मिस्टर एलेक्स, मिसेस एलेक्स, इस तरह से. तो एड्रेस करना भी इट इज नॉट अ बिग जॉब इन इनफॉर्मल लेटर्स. आप आराम से विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को एड्रेस कर सकते हैं. ठीक है, ग्रीटिंग में. सो ग्रीटिंग विल बी प्रॉपरली डन व्हेन यू राइट डियर एलेक्स एंड डियर मॉम, डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, इस तरह से आप ग्रीटिंग्स लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. नाउ आपने लेटर्स का फॉर्मेट देख लिया कि आपको सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस लिखना, मीन्स अपना आप जो जिसको लेटर लिख रहे हो आपको अपना एड्रेस ऊपर लिखना है. फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है. डेट के बाद एक लाइन छोड़ के आपको उसको एड्रेस करनी, ग्रीटिंग करनी. ठीक है, ग्रीटिंग कैसे करनी है आपको, वो आपका पहला पैराग्राफ हो गया. नाउ बिगिन राइटिंग द एक्चुअल लेटर. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सेट्स द टोन फॉर द होल लेटर. You might begin by asking the recipient about their well-being. एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस होता है, डियर सो एंड सो. अगर कोई एल्डर है तो आप चरण स्पर्श और नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो भी लिखते हैं आप ग्रीटिंग करते हैं प्रॉपर, है ना. और उसके बाद आप लिखते हैं हाउ आर यू, आई होप एवरीथिंग इज फाइन ओवर देयर विद द ग्रेस ऑफ गॉड अलमाइटी. ठीक है, तो ईश्वर की कृपा से वहां सब ठीक होगा, ऐसा आप शुरू में. तो वेलबींग आप पूछ लेते हो. वेलबींग के बाद यू मे से दैट यू होप द लेटर फाइंड्स देम इन गुड हेल्थ एंड ग्रेट स्पिरिट्स. ये बड़ा कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस हैं, दैट आई दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड ग्रेट स्पिरिट. ठीक है, द ओपनिंग ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स शुड बी कैजुअल एंड कम्फर्टिंग, जो सूदिंग इफेक्ट दे. उससे एक टोन बनती है इनफॉर्मल लेटर्स की कि आप एक इमोशनल वे में, इमोशनल टोन में लेटर लिख रहे हो. इट मस्ट नॉट बी फॉर्मल एंड डायरेक्ट. ठीक है, ये फॉर्मल और डायरेक्ट नहीं होना चाहिए जैसे कि बिजनेस लेटर्स में होता है. ठीक है, वो भी जब हम फॉर्मल लेटर्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. नाउ कंक्लूसिव पैराग्राफ. ये इन द कंक्लूसिव पैराग्राफ सम ऑफ द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर. अब आपको रीजन देना है कि आपने ये चिट्ठी क्यों लिखी है. ओके, समराइज द लेटर. से अ मीनिंगफुल एंड अफेक्शनेट गुड बाय टू द रीडर. मेरी जो मैं लाइन खींच रही हूँ उसमें आप मत जाइए, क्योंकि अभी मैं थोड़ी धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी तो आई विल बी परफेक्ट इन इवन मेकिंग दीज लाइन्स प्रॉपरली.
So, dear viewers, just see the spirit and my intention of giving you the best which I can as an experienced teacher having 34 years long experience. Okay. And so do not forget to invite the reader to write back or reply to your letter. It shows an intention to keep the conversation going. Ye hai aapke informal letters ki khasiyat. Chaliye. Ab signature ke baad kya aayega? सिग्नेचर देयर इज नो वन वे टू साइन अप इनफॉर्मल लेटर्स. कोई खास उसका जैसे फॉर्मल में आपके है प्रॉपर सेट रूल्स, ऐसा इसमें इनफॉर्मल लेटर्स में नहीं है. सो व्हाट यू विल डू, सिंस दे डू नॉट हैव अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, यू मे साइन ऑफ एज यू प्लीज. जैसे आपका मन करता है वैसे साइन ऑफ. ओके हाय बाय इस तरह से भी कर सकते हैं. ओके सी यू नेक्स्ट, hoping for a quick reply from your side, है ना, waiting eagerly for your reply. ऐसे ही आप खत्म कर सकते हो. और जो commonly used phrases है वो है lots of love, best wishes, और best भी लिख देते कई लोग. ओके kind regards, kindly. So ये तो हो गया आपके informal letters की ending. Okay. Now body of the letter. What is body of the letter? Content, main reason why you're writing. The letter overall should maintain a friendly tone. ये आपको ध्यान रखना है. But you have to adjust the language and the wordings. आपको शब्दों को और language को adjust करना है इस हिसाब से कि आप किसको लिख रहे हो. This is very very important कि आप किसको लिख रहे हो. ठीक है? Who you are writing to? अगर आप अपने किसी elder को लिख रहे हो तो आपको एक dignified language use करनी है. अगर आप किसी छोटे को लिख रहे हो तो उसको कैजुअल वे में जैसे आप उससे बात करना चाहोगे उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं लैंग्वेज. ठीक है? तो लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल है. आपको प्रॉपर वर्ड्स और प्रॉपर लैंग्वेज आपको यूज करनी. विद अ फ्रेंड यू कैन अफोर्ड टू बी वेरी कैजुअल एंड फ्लिपेंट इवन. बट इफ यू आर राइटिंग टू एन एल्डर रिलेटिव यू मस्ट बी एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट. जो मैंने अभी आपको बताया था, किसी बड़े को अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आपको बहुत रिस्पेक्टफुल वे में चिट्ठी लिखनी चाहिए. ठीक है? देन वन वे टू डिटरमिन द टोनालिटी ऑफ योर लेटर इज टू रिमेम्बर हाउ यू टॉक टू द पर्सन इन कन्वर्सेशन. आप बातचीत में कैसे बात करते हो उस व्यक्ति से जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हो, इससे लेटर की टोन डिसाइड हो जाती है और फाइनल हो जाती है. ठीक है? And then apply the same syntax and sentiments to the letter. Okay? ये आपको syntax word भी आप एक काफी detailed explanation मांगता है. तो these words I have explained in my previous videos. तो आप उसको जरूर देखिए. सारे grammar based topics हैं. तो sentiments और syntax means पूरी overall understanding और उसके sentiments. ये सारे आपको apply हो जाएंगे अगर आप ऊपर लिखी हुई बातों का ध्यान रखेंगे. कि किसको लिख रहे हैं, लैंग्वेज प्रॉपर उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे. एंड दिस वे इट विल बी हियर. नाउ मार्किंग स्कीम ऑफ क्वेश्चंस ऑन इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल फॉर्मल का दोनों का एक ही तरह का मार्किंग है. फॉर्मेट है सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, हेडिंग, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. एक नंबर मींस आपके सारे पॉइंट्स आपने प्रॉपरली फॉर्मेट आपने हर एक चीज उसमें इंक्लूड की है या नहीं की है. तो इसके सब पूरा ओवरऑल मार्क्स है 1. इसमें आपका ये नहीं देखा जाता कि आपने लिखा क्या है, उसका कोई लेना देना नहीं. आपकी सिस्टमैटिक वे में आपका फॉर्मेट होना चाहिए. अब बाद में कंटेंट जो है वो अलग आपके नंबर डिसाइड करता है. ठीक है? फिर कंटेंट में 2 नंबर है और एक्यूरेसी में 2 नंबर. एक्यूरेसी आपकी ग्रामर की नॉलेज से आएगी. सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट लर्निंग ग्रामर टिप्स, टेंसेस, वर्ब फॉर्म्स, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स. ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है. और मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है उनमें काफी कुछ मैंने अभी आपका कवर कर दिया है. धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक्स मैं इंक्लूड कर रही हूँ जो आपके काम के हैं, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे, जो हम कोर्स शुरू करने वाले हैं वेरी सून नेक्स्ट मंथ. एंड देन नाउ दिस इज योर टोटल 5 मार्क्स. कमिंग टू हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स. नाउ एक आपका बॉडी आपको पता लग गई. अब इनफॉर्मल लेटर्स की ये सारी चीजें आपकी फॉर्मल वे में फॉर्मल लेटर से भी कोरिलेटेड है. तो इसको आपको सबको ध्यान से समझना है. मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी. एज आई टोल्ड यू फ्लुएंसी जो है वो आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी से चेक होती है. स्पेलिंग्स आपके करेक्ट होने चाहिए.
because all these things they carry marks. Leave an adequate number of lines. ये जो मैंने बताया था ना आपको कि एक-एक जैसे आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर डेट लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर रिसीवर्स एड्रेस, इस तरह से अगर आप लाइनें छोड़ के लिखते हैं, एक-एक लाइन छोड़ देते हैं और पैराग्राफ्स में भी आप एक लाइन छोड़ते हैं तो इट विल लुक नीट. आप पूरा एक ही बड़ा पैराग्राफ लिख दोगे तो नोबडी विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू राइट. पैराग्राफ भी अगर सिस्टमेटिक वे में आप 3 पैराग्राफ बनते हैं हर इसमें फॉर्मल हो या इनफॉर्मल लेटर हो तो उस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको मार्किंग अच्छी मिलेगी. नाउ अंडरलाइनिंग द मेन पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट इट इज एडवाइज टू डू इट आफ्टर फिनिशिंग योर एग्जाम. यूज अ पेंसिल एंड स्केल फॉर अंडरलाइनिंग. ठीक है, आप अंडरलाइन करिए अपनी इंपॉर्टेंट चीजें, आप चाहते हो एग्जामिनर देखे उसको, लेकिन वो करना कब है आपको, जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर आपने पहले कर दिया तो डियर चिल्ड्रन यू विल वेस्ट योर टाइम एंड यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट वेल इन टाइम. ठीक है, चलिए. नाउ प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज इंपॉर्टेंट है. रीड अ लॉट ऑफ लेटर्स टू गेट एन आइडिया. बहुत सारी लेटर्स आप पढ़िए जो आपके नेट पे भी अवेलेबल है. ट्राई टू बी फेमिलियर विद द लैंग्वेज, विद द पैटर्न ऑफ राइटिंग एंड विद फ्लो, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, सारी चीजें आपके इसमें कवर हो जाएंगी. नाउ इनफॉर्मल लेटर्स के टॉपिक्स क्या क्या नॉर्मली इंक्लूड होते हैं? इनवाइटिंग अ फ्रेंड, ठीक, एडवाइजिंग अ फ्रेंड, अपोलोजाइजिंग टू अ फ्रेंड, थैंकिंग अ फ्रेंड, देन रिमाइंडिंग अ फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेटिंग अ फ्रेंड, रिक्वेस्टिंग फॉर हेल्प, एडमिटिंग अ मिस्टेक, सारी चीजें आप रिलेटिव्स के लिए भी इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, तो आपके लिए रिलेटिव्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट होने चाहिए. ठीक है, तो ये सारे जितने टॉपिक मैंने आपको अभी दिए हैं वो सारे टॉपिक्स आप रिलेटिव्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं. देखिए मैं कितने धीरे धीरे से लिख रही हूँ क्योंकि अभी ये धीरे धीरे स्पीड आएगी, सो प्लीज बियर विद मी. ठीक है ना, चलिए. नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल, इस सैंपल लेटर मैं आपको हमेशा सैंपल देती हूँ हर एक वीडियो में ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए, कि आपको कहीं और ताक झाक ना करनी पड़े कि ये इसका हमें सैंपल नजर आ जाए कहीं से. मार्क जो है आपके कॉमर्स, इसका बहुत स्ट्रिक्ट रूलिंग है जब आप टाइप करते हो लेटर, बिकॉज आजकल कंप्यूटर बहुत ज्यादा, हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा हम लोग काम करने लग गए हैं तो लेटर्स में भी हम टाइप करते हैं, तो टाइप में आपके यहाँ पे ज्यादा कॉमर्स का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप हैंड रिटन लेटर लिखते हो तो ट्राई टू राइट हियर 1 कॉमा एंड इट विल बी एक्सेप्टेड, बट इन केस यू फॉरगेट टू राइट दिस कॉमा दिस विल नॉट कट योर मार्क्स फॉर इनफॉर्मल लेटर और इवन फॉर फॉर्मल लेटर. ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना, ये आपका अलाइनमेंट सारा इधर होना चाहिए, इस तरफ एक ही तरफ आना चाहिए, आपका जो पैराग्राफ शुरू होगा दूसरा वो यहां से ही शुरू होगा, ऐसे आपका तीसरा पैरा यहाँ से शुरू होगा, जो पहले हम लोग इतना गैप दे देते थे फिर यहाँ से शुरू करते थे, ऐसे आपको नहीं करना है. ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पे योर्स लविंगली साक्षी एंड सक्षम, जो भी नाम है, लड़की है तो साक्षी, और जैसे क्वेश्चन में नाम लिखा होगा उस तरीके से. ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना. नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अप्रिशिएटिंग हिज बुक दैट ही रोट इन बैंगलोर व्हाइल परस्यूइंग हिज करियर. ठीक है, योर रॉबर्ट और रूबीना. नाउ ये लेटर भी मैंने इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है सो दैट यू अंडरस्टैंड. इसमें भी आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ तो 3 है लेकिन यहाँ पे जो जगह छोड़ने का पहले एक चलन था वो सब नहीं है. ठीक है, इसको आपको ध्यान देना. सी दीज आर 3 पैराग्राफ्स, फर्स्ट इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर सेकेंड आपका सारे कंटेंट से रिलेटेड, फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ. ठीक है, सो लास्ट में सब्सक्रिप्शन योर्स लविंगली. नाउ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल भी मैं आपको और अलग से डिटेल में बताऊंगी, इससे पहले आप थोड़ा उसका डिफरेंस समझ लीजिए. द फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पसेस विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन माइंड. इट यूजेस सिंपल लैंग्वेज विच इज ईजी टू रीड एंड इंटरप्रेट. जो लैंग्वेज समझ सके रीडर और उसका मीनिंग पूरा निकाल सके, ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है. एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस रीजन लेके लिखा जाता है. ऑन द कॉन्ट्ररी इनफॉर्मल लेटर्स जो है वो आपके
रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। यहाँ पे कौन है, प्रोफेशनल पर्पसेस से लिखे जाते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, और फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन लिखे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपके प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव पर्पसेस हैं, ये आपके प्रोफेशनल पर्पसेस हैं, यहाँ पे पर्सनल कम्युनिकेशन एंड रिक्वायर कैजुअल और इमोशनल टोन। द साइज ऑफ अ फॉर्मल लेटर शुड बी कंसाइज, लिमिटेड होना चाहिए फॉर्मल लेटर का, डज नॉट इंक्लूड इररिलेवेंट मैटर्स, और इसमें क्या है आपका, इन कॉन्ट्रास्ट द इनफॉर्मल लेटर कैन बी लेंथियर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंकल ने, आपके ब्रदर ने, आपके मदर फादर ने, या आपने किसी को कितना लंबा लेटर लिखा है, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। बट इन फॉर्मल लेटर यू हैव टू बी प्रिसाइज, कंसाइज, टू द पॉइंट, कोई इररिलेवेंट चीज आपको नहीं, कोई बेकार की बातें आपको उसमें नहीं लिखनी है, क्योंकि वो अदरवाइज ली जाती है, ठीक है। अब फॉर्मल लेटर्स में आप इसमें और देख लीजिए, फॉर्मल लेटर्स जो है वो आपके यूज किए जाते हैं राइटिंग लेटर्स टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स या पार्टनर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोगों को इन फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल को दो ही कैटेगरी में बांध दिया उन्होंने, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, ठीक। तो ये डिफरेंसेस है आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में। नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम सीबीएसई सैंपल पेपर्स, दे आर इंपॉर्टेंट वंस, यू कैन प्रैक्टिस फॉर राइटिंग लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ द सैंपल लेटर्स व्हिच आई हैव गिवन यू। जो मैंने आपको सैंपल लेटर्स अभी दिखाए थे उसके बेस पे आप ये इनफॉर्मल लेटर्स लिख सकते हो। नाउ कमिंग टू फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स क्या है, फॉर्मल लेटर इज, सॉरी लेट अस कम हियर, फॉर्मल लेटर इज अ लेटर बिटवीन टू एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट पार्टीज, इधर विद इन एन इंडस्ट्री और विद इन अ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट। फॉर्मल में आप देख लीजिए प्रोफेशनली रिलेटेड, जो आपके किसी बिजनेस से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, किसी हायर अथॉरिटी को आपने लिखना है, तो ये सारे आपके फॉर्मल लेटर्स इसमें आते हैं। द फॉर्मल लेटर कॉमनली नोन एज बिजनेस लेटर इज जनरली, इसको कॉमनली क्या कहते हैं हम, बिजनेस लेटर, ठीक है। इट इज रेफर्ड टू एज एन एग्जीक्यूटिव लेटर और दी कॉर्पोरेट लेटर, मीन्स बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को हम जब लेटर्स लिखते हैं इनफॉर्मल टोन, वहां पे क्या था, इनफॉर्मल टोन। तो ये सारी चीजें जो है दे आर रिलेटेड टू फॉर्मल लेटर्स। अब इसमें राइटिंग स्टाइल भी आपका इंक्लूड होता है, फोकस ऑन कॉन्शियस कंसाइजनेस एंड कॉन्क्रीटनेस। जैसे पहले मैंने बताया कि ठोस चीज लिखनी है इसमें आपको, आलतू फालतू बातें नहीं लिखनी है, बेकार की बातें नहीं लिखनी है, जो काम की बात है, टू द पॉइंट लेटर होना चाहिए, लैंग्वेज शुड बी प्रॉपरली यूज, कंसाइज, बिल्कुल प्रिसाइज एंड ब्रीफ, ओके। हर चीज इसमें लिमिटेड, टेकिंग केयर ऑफ द पर्सन हुम यू आर राइटिंग। देन रिमेंबर द लीव एप्लीकेशन यू वर टॉट इन स्कूल, जब आप एक लीव एप्लीकेशन लिखते थे तो लेटर राइटिंग इज, यू कैन रिपीट दैट इन योर माइंड, ठीक है। लेटर राइटिंग इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस दैट इज कवर्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रेड्स, एज द एम्फेसिस इज लेड ऑन इम्पार्टिंग स्टूडेंट्स द प्रिसाइज राइटिंग स्किल्स टू यूज इन डिफरेंट प्रोफेशनल सिनेरियोज। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप जब आगे जाओगे अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स को, या आपके जो प्रोफेशनल यूनिट हेड्स हैं उसको जब आप लेटर लिखोगे या कोई एप्लीकेशन लिखोगे या कोई भी फॉर्मल लेटर लिखोगे, तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है ये आपको अभी से पता लगना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रेड्स में इसीलिए लेटर राइटिंग पे बहुत जोर दिया जाता है। शुरू में बचपन में आप लीव एप्लीकेशन लिखते हैं फॉर सिकनेस और फॉर गोइंग टू योर ब्रदर्स और सिस्टर्स मैरिज, है ना, या आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आप बीमार हो, या आपके भाई की शादी है, आपकी बहन की शादी है, ये सब आप लिखते हो, है ना। तो उससे अब आगे बढ़ के आपको प्रोफेशनल लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आजकल क्योंकि ईमेल्स हैं तो वो भी एक सिमिलर फॉर्मेट में लिखी जाती है। आजकल ईमेल्स भी आप देखोगे तो पूरा फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, सेंडर्स एड्रेस भी होता है इसमें, प्रॉपर एक लिम्स आ जाती है उसकी, ठीक है। सो नाउ दिस इज फॉर्मल लेटर फॉर्मेट इन इंग्लिश, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, इसमें टू नहीं लिखना, ठीक है, टू नहीं लिखना आपको, नॉर्मली वो लिख देते ना टू सो एंड सो, ये सब नहीं लिखना।
देन रिसीवर्स एड्रेस है, सब्जेक्ट है सैल्यूटेशन सर, उसके बाद आप कॉमा लगा सकते हैं, बॉडी इंट्रोडक्शन है, मेन कंटेंट है कंक्लूजन, क्योंकि ये आपको बिल्कुल प्रिसाइज और कंसाइज लिखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, ब्रीफ लिखना है, तो हर चीज का आपको ध्यान देना है इसमें। और थैंकिंग यू सब्सक्रिप्शन योर्स सेंडर्स नेम, तो योर्स सिंसियरली नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं हर एक लेटर्स में, कोई अनजान है तो उसको आप ट्रूली यूज कर सकते हो, है ना, कोई जानकार है तो सिंसियरली यूज कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर का हमने फॉर्मेट भी देख लिया, एक सेंडर्स एड्रेस कहाँ पे होना चाहिए, डेट कहाँ पे होनी चाहिए, रिसीवर्स एड्रेस कहाँ होना, ये सब हमने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे फॉर्मल लेटर एक्चुअली है क्या। इट इज अ लेटर विच इज रिटन इन अ फॉर्मल एंड यूजेस फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज, ऐसे नहीं हाय हाउ आर यू ऐसे नहीं, है ना, इसमें प्रॉपर लैंग्वेज आपको यूज करनी है। सच लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, इसको ध्यान रखना है आपको, ऑफिशियल पर्पस के लिए करना है, अथॉरिटीज को लिखने के लिए करना है, डिग्निटरीज हाईली वेल पोस्टेड पीपल, कलीग्स आपके दोस्त मित्र हैं, सीनियर्स हैं, इनको सबको लिखना है, तो ये कोई आपके कॉन्टेक्ट पर्सनल नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, इसलिए इसको आपको प्रॉपर वे में फॉर्मल लैंग्वेज में यूज फॉर्मल लैंग्वेज करके आपको लिखना है, फॉर्मल वे में लिखना है। ठीक, अ नंबर ऑफ कन्वेंशंस मस्ट बी अडियर टू व्हाइल राइटिंग और ड्राफ्टिंग फॉर्मल लेटर्स, बहुत सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए तब आप फॉर्मल लेटर्स लिखेंगे। ठीक है, नाउ हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर, हियर आर द की एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्मल लेटर एंड व्हाट टू इंक्लूड इन ईच सेक्शन। सो पहला काम सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस में इन फॉर्मल लेटर फॉर्मेट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन द सेंडर्स एड्रेस इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन एंड डिस्प्यूट। ओके, नाउ कमिंग टू डेट एंड एड्रेस ऑफ द, जैसे उसमें इनफॉर्मल लेटर में था ऐसे इसमें भी डेट आपकी आएगी, फिर नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी और फिर एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, ये सारी चीजें आपकी, ये सब चीजें आपकी तीन लाइनों में आएगी। ठीक है, 1, 2, 3। ओके, इससे ज्यादा लंबा चौड़ा एड्रेस आपको नहीं लिखना। नेक्स्ट, सैल्यूटेशन, दिस पार्ट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस एज यू नीड टू address the receiver with a proper respect. Okay. फिर उसके बाद आएगा आपका subject. Write a strong subject line which can convey the meaning of the entire formal letter. तो subject line जो है वो बहुत strong होनी चाहिए, इसमें आपको पूरे letter का एक message मिल जाना चाहिए। ठीक है, Now body, introduction, content and ये सारी चीजें आपके बॉडी ऑफ द कंक्लूजन भी आपके बॉडी ऑफ द लेटर में आएगा। इसके बाद आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन, राइट सम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन एट द बेस्ट सॉरी द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर, देन इट विल इंक्लूड वर्ड्स लाइक विद रिगार्ड्स, ओके, रिस्पेक्टफुली, बेस्ट विशेस, योर्स ट्रूली एटसेट्रा, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना। सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द सेंडर, now signature and name of the sender, don't forget to include the name of the person who is sending the letter, okay, to jo letter bhej raha hai usko aapka usko uska naam zarur likhna chahiye, theek hai, it will clear ambiguity kya hota hai, koi confusion na ho, clear ekdam, koi matlab aapko misunderstanding na ho, the message should be loud and clear. Then designation of the sender, जो आपका sender है उसका designation भी होना चाहिए, वो भी आपके उसमें include होना चाहिए. It is part and parcel of the formal letter format. ठीक है, format का हिस्सा है. Now in formal letter format, the main structure of formal letter includes, आपको मैंने पहले informal में भी सारा pattern दिया था, अब इसको ध्यान से फिर से देख लेंगे. Sender's address, date, name, designation of addressee, address of the, ये दोनों एक ही चीज में include होगी. इसके बाद एक line छोड़ेंगे salutation. अब ये जो है salutation और subject, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं. कभी कभी आप after salutation avoid using comma if using digital mode. तो salutation के बाद आप comma लगा सकते हैं, लेकिन आप digital उसमें काम करें तो no need to write comma. Okay. इसके बाद आएगा subject. कई लेटर्स में सब्जेक्ट ऊपर आ जाता है, सैल्यूटेशन नीचे आ जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो किया है. ठीक है,
और कई सब्जेक्ट कई लेटर्स में आपका सैल्यूटेशन नीचे आता है और सब्जेक्ट ऊपर आता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना कि अगर आपका अथॉरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, देन यू विल बी एड्रेसिंग द अथॉरिटी फर्स्ट एंड देन राइटिंग द सब्जेक्ट, एंड इफ द सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू देन राइट द सब्जेक्ट अबव द सैल्यूटेशन। बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कंक्लूजन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन है, सिग्नेचर है, नेम ऑफ द सेंडर, डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, बहुत सारी चीजें हैं आप लेटर राइटिंग में। आप जैसे जैसे आगे इसको पढ़ते जाएंगे तो बेसिक फॉर्मेट आपका यही है, ठीक है। किसी भी रूप में आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है, ये इस लुक में आपका लेटर आ जाएगा, ठीक है। ये दिस इज अ फॉर्म एग्जाम्पल विच आई हैव सिलेक्टेड अगेन। इसका आपको देख लेना कि यहाँ पे क्योंकि ये डिजिटल उसमें मोड में लिखा गया है तो कॉमा वगैरह कहीं पे भी नहीं है, आपको उसको ध्यान देना है। सिंसियरली योर्स में योर्स सिंसियरली ये सब आपको जरूर लिखना है, देन सिंसियरली के बाद आप चाहे तो कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू फॉर्मल लेटर राइटिंग टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स है जो आप यूज कर सकते हो उसके लिए, फॉर्मल लेटर्स के लिए, और नॉर्मली यही सब आते हैं। अटैक्स ऑन ओल्ड पीपल, निग्लेक्ट ऑफ पार्क्स, अफोर्डेबल अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स, हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स, कंप्लेंट फॉर डिफेक्टिव पेयर ऑफ शूज, सो ये कंप्लेंट लेटर्स है, इशूइंग द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स, इंक्वायरी है, ओके, कंडक्टेड पिलग्रिमेज टूर्स, देन चार्ज फॉर 12th फेयरवेल पार्टी, सो मेनी लेटर्स, दे आर ऑल फॉर्मल कैटेगरी, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर में ये मेन टाइप्स हैं जिसको आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि ये जितनी मैंने टॉपिक्स आपको अभी शो की हैं ये सारी इसी कैटेगरीज में आती हैं। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी है, ऑर्डर लेटर है, देन लेटर ऑफ कंप्लेंट है, रिप्लाई टू अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, प्रमोशन लेटर, सेल्स लेटर, रिकवरी लेटर, सब ये इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो लेट मी मिनिमाइज माई कैमरा सो दैट आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट इधर ले आती हूँ मैं, इसको मैं कैमरा को मिनिमाइज करूंगी ताकि आपको ये जितने नोट्स हैं वो आपको सारे नजर आ दें, ठीक है। चलिए अब आपको सारे नोट्स ये क्लियर नजर आ रहे होंगे, ठीक है, आई हैव मिनिमाइज्ड द कैमरा। चलिए सो लेट अस प्रोसीड फर्दर, नेक्स्ट उस पे चलेंगे हम। What are types of formal letters? अब मैं फिर इसको बढ़ा देती हूँ। चलिए So let us come to this. What are the types of formal letters? Business letters है, official letters है, appointment letters है, experience letters है, offer letter, social letter, circular letter, leave letter, resignation, invitation, कंप्लेंट लेटर्स, ये सारे लेटर्स जो हैं ये ऑफिशियल लेटर्स में आते हैं। सो फाइनली आई होप माय एफर्ट्स हैव बीन यूजफुल फॉर यू, और जितनी आपकी क्वेरीज होंगी अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो यू कैन प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसको पढ़ के आपको वहां पे भी जवाब दे दूंगी, सो नॉट टू वरी। सो थैंक यू वेरी मच, इफ यू वॉन्ट इफ यू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स please subscribe and share the channel to your friends and your acquaintances. So thank you very much, have a nice day, and here we are going to close up this